अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और सर, सर जो तैयारी करते हैं किसी वजह से इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, लेकिन किसी वजह से रह जाते हैं, तो वो कहाँ गलती करते हैं, आपको क्या लगता है, उस पर क्या कहना चाहोगे? अब वो कहाँ गलती करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। सर लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शनल क्या थे, मैं भूल गया, मतलब पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल। पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑप्शनल जैसे बहुत सारे बच्चे PSIR रखते हैं, इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एस्पिरेंट की टू गेट बेस्ट स्कोर, हाई स्कोर? देखिए, स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे टॉपिक वाइज अगर हम क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं, तो हम अनसॉल्व पेपर से या दृष्टि और विज़न, काफ़ी सारी कोचिंगें हैं जो क्वेश्चन देते हैं, तो हम अगर वहाँ से उनको लेकर सॉल्व करते हैं टॉपिक वाइज और प्री मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, आंसर राइटिंग करते हुए चलते हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी हो जाती है। और अगर हम सोचेंगे पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद फिर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सर सोर्सेज की बात करें तो PSIR के लिए बेस्ट सोर्सेज क्या है हिंदी मीडियम के लिए? हिंदी मीडियम के लिए सुभाष कश्यप हैं, DD बासु हैं, और लक्ष्मीकांत भी है। NCERT बेसिक पहले NCERT पढ़नी चाहिए, उसके बाद अगर सुभाष कश्यप हमारी संसद और हमारा संविधान पढ़ लेते हैं तो ठीक है। सर आपको ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कंपैरिजन में रिसोर्सेज कमी है? रिसोर्सेज की कमी नहीं है, या तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि सारे चीज़ हमारे पास भी अवेलेबल हैं, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि रिसोर्सेज की कमी है जी। सर करंट को लेकर एक तो आपने बता दिया जो परेड वाला था, कोई और भी क्वेश्चन पूछा था? नहीं नहीं। और सर, सर आपका नाम क्या? सर अतुल, 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 हाँ। इंटरव्यू के लिए मना किया था ना सर, लेकिन ये लोग घेर लिए तो क्या बोला था हमने?